यहाँ बड़े कैंट बंदे हैं। अमेंडा आई थी मेरे पास पंजाब, मेरे उसने बहुत मेरी रिक्वेस्ट की मेरे को के वीडियो बनाओ। सॉरी मैं बीच में पूछना चाहता हूँ, बीच में आपने कुछ बोला, वो कौन सा जॉ लिया था? नॉस्टैल्जिया क्या? बताओ जरा। नॉस्टैल्जिया। हाय मैं हूँ गिप्पी ग्रेवाल और आप मुझे देख रहे हैं शोशा पे। हाय गिप्पी ग्रेवाल, मैं नेहा। हाय दिस एंड यू आर वाचिंग अस ऑन शोशा। ओह अच्छा, अब ऐसे लग रहा था कि मैं मेन हूँ और ये वैसे ही बैठे हैं। ठीक है। हाय मैं हूँ गिप्पी ग्रेवाल। हाय दिस इज नेहा शर्मा। हेलो जी, दिस इज रोशन प्रिंस। और आप हमें देख रहे हैं शोशा पे। मेरा किरदार है जी संधु, राजवीर संधु। सो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और थोड़ा गुस्से वाला है, यारी दोस्ती बहुत निभाता है, फ्रेंड्स हैं उनके लिए कुछ भी कर सकता है। सो कभी किसी लड़की की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखता जब तक उसको सिमरन नहीं मिलती। सो सिमरन के बाद वो उसको बोलता है कि सिर्फ आप ही की तरफ आँख उठाई है मैंने। सो थोड़ा शाय है लड़की के मामले में और वैसे बहुत सॉलिड बंदा है। Yeah, I'm playing Simran in the film. बहुत प्यारी सी एक लव स्टोरी है संधू और सिमरन के बीच में। He's all this macho and like hardcore, strong, लड़कों को खूब पीटता है and there's a lot of politics and all that involved. But when he's in front of Simran, then he's like a little puppy dog, like he's got those puppy eyes and a very cute love story. तो बहुत मज़ा आया वो करने में and we're back to college days, so it was fun. Nostalgia, all of that. बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, बट साथ में देयर इज दिस होल ट्रैक व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशनल अप्स एंड डाउन बिटवीन द टू कैरेक्टर्स और एंड में ये दोनों साथ हो पाते हैं, दैट्स द बिग रिवील जिसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सॉरी मैं बीच में पूछना चाहता हूँ, बीच में आपने कुछ बोला, वो कौन सा जॉ लिया था? नॉस्टैल्जिया क्या? बताओ जरा। नॉस्टैल्जिया मतलब मेरे वाले भी होंगे कहीं ना, उनको बताओ ना कि वो क्या होता है। जब आप पुरानी यादों को रीलिव करते हैं तो वो जो फीलिंग आती है उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। बोल के जॉल्जिया। नॉस्टैल्जिया। हां नॉस्टैल्जिया। अच्छा जी, मेरा जो करेक्टर है उसका नाम है जी गिल। संधू और गिल जो खास दोस्त हैं, इनके साथ एक और है ग्रेवाल। तो जैसे ये ज़्यादा गुस्से वाले हैं, मेरा करेक्टर थोड़ा चुलबुला है, जैसे वो आग लगा के पीछे निकल जाने वाला था कि उसको पता है कि मेरे यार दोस्त मेरे साथ में हैं। चुगली करता है। हाँ, चुगली भी करता है, मतलब छेड़ता जानबूझ के, पिन लगा के एक्चुअली बाहर निकल जाने वाला, उसको पता है संधू पीछे है, वो सब संभाल लेगा। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया, पहले तो मैं इस फिल्म का जॉनर ढूंढ रहा हूँ कि इस फिल्म का जॉनर है क्या, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये फिल्म एक्शन रोमांस है, कभी लगता है एक्शन है, कभी लगता है रोमांटिक फिल्म है। सो सब चीज़ें हैं इस फिल्म में, क्योंकि जब हम पंजाबी में कोई भी फिल्म बनाते हैं तो ह्यूमर क्या है कि ह्यूमर तो हमारे अंदर ही बहुत है, सो वो डेफिनेटली आ जाता है। तो इस फिल्म में पहली बार जो डिफरेंट अटैम्प्ट हुआ है वो है कि हमने इतना एक्शन कभी नहीं किया। सो श्याम कौशल जी का एक्शन है, सो एक्शन पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। और ये अगर इसका एग्जैक्ट जॉनर पूछो तो ये फिल्म एक्शन रोमांस वाली फिल्म है, एक्शन रोमांटिक फिल्म है। तो ह्यूमर पैरलर चलता रहता है, टोटल मसाला फिल्म है जिसको बोल सकते हैं, वो फिल्म है ये। सुपर एक्साइटेड, फर्स्ट ऑलवेज सो स्पेशल। तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी पहली फिल्म को लेकर के। इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स अ ग्रेट टीम फॉर माई फर्स्ट, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। अब बस लिटिल नर्वस बिकॉज अब फिल्म रिलीज पे है, तो प्लीज़ दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल माई फैंस दैट कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग दिस फिल्म एंड आई होप यू लाइक व्हाट आई हैव डन। यहाँ बड़े कैंट बंदे हैं। ऑन अ सीरियस नोट कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द एटीट्यूड। आई फील पंजाबियों को मस्ती मजाक करना बहुत अच्छे से आता है, दे कीप यू एंटरटेन। और सेट पे इतना मजा आया, इट डिडंट फील लाइक वर्क, इट वाज वर्क वाज प्ले फॉर मी। अमेंडा आई थी मेरे पास पंजाब, मेरे उसने बहुत मेरी रिक्वेस्ट की मेरे को के वीडियो बनाओ। एक्चुअली गाना शूट करना था तो सबने बोला कि कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करनी है, मेरी टीम ने बोला। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सा ऐसा पता नहीं चलता कि कौन बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जो लोग तो फिल्मों में हैं,
या ऐसे हैं उनका मुझे पता होता है. सो मुझे ज़्यादा नहीं पता था अमेंडा का. तो इन्होंने मुझे भेजा कि अमेंडा ऐसे ऐसे लड़की है. तो मैंने देखा तो बहुत अच्छा ग्राफ था उसका. तो हमने उसको भेजा उसकी टीम को कि हमने ऐसे ऐसे वीडियो शूट करना है. उन्होंने सब कुछ उन्होंने मांग लिया हमसे एक दो दिन. तो उन्होंने वर्कआउट किया तो सब कुछ हो गया फटाफट से. और लॉस एंजलस और थोड़ा वेगस के पास हमने शूट किया था. वेयर बेबी वेयर जानी ने लिखा था और भी अपने सुखी का म्यूज़िक था उसमें. तो बहुत अच्छा रहा गाना.